subscribe to our channel and click the bell icon so that you can first see our video. Hi viewers, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो डेटा रिकवर करती है. जी हाँ, सही सुना आपने, डेटा रिकवर करती है. अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है, मिसयूज हो गया है आपसे, तो आपके मोबाइल का, तो आपके मोबाइल से जो है ना आपको रिकवर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो उस ऐप का नाम है डिस्क डिगर. जी हाँ, सही सुना आपने, डिस्क डिगर. ये बेहतरीन ऐप है, इसको मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं आपके सामने एक रिव्यू देंगे बल्कि आपको जो है ना वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है. तो चलिए डिस्क डिगर ओपन करते हैं. मैं डाउनलोड करके इसको ओपन कर रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है. इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक बेसिक स्कैन है और एक फुल स्कैन है. बेसिक स्कैन जो है ना, जिसको रूट नहीं है, जिसके मोबाइल में रूट नहीं है, उसको बेसिक स्कैन आएगा. फुल स्कैन वो लोगों का आएगा जिसके मोबाइल में रूट है, रूट रिक्वायर्ड है, ओके. ये रूट क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियोस में देखते हैं, ठीक है. अभी तो फिलहाल ये ऐप के बारे में देखेंगे. बेसिक स्कैन यानी आपको जाना सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ जो है, चाहे वो डॉक्यूमेंट शक्ल में फ़ोटोज़ हो, सर्टिफिकेट्स हो, कुछ भी हो, लफ्ज़ फ़ोटो, आपकी फ़ोटोज़ पूरे जो है ना JPG, PNG जो भी फॉर्मेट है, पूरे स्कैन करके ये आपको जो है ना रिकवर करेगा, ठीक है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट बेसिक स्कैन. दोस्तों, इसके अंदर दो ऑप्शंस है, सेटिंग्स में जाते हैं, पर बताता हूँ आपको मैं. ये लिस्ट ग्रेड, ये तो आपको कैसा व्यू होना है वो बता रहा. स्मॉल, मीडियम, लार्ज, थंब साइज़ है, थंबनेल साइज़, मतलब आपको जो ना अगर स्मॉल कर दिए तो फाइल छोटे छोटे दिखाएगा डिस्प्ले के लिए ये तो. और फाइल साइज़ है और डेट. मैं डेट जो है ना, मिनिमम फाइल डेट जो है ना, मैं ये क्या कर रहा था, आज की डेट रखा था दो भी, ओके, मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब स्टार्टिंग और एंड, तो भी यार रखा था, इसलिए आज के जो भी फाइल से वही बताएगा. मैं इसलिए दोनों को निकाल दे रहा हूँ, देखिए अभी क्या होता है, देखिए, ओके. जितने भी पुराने, जितने भी फाइल से, पूरे जो है ना मेरे पूरे फाइल्स आएंगे, देखिए आप लोग, जितने भी पुराने फाइल्स से पूरे फाइल्स रिकवर हो रहे मेरे, ठीक है. तो अभी अगर मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, एग्जांपल दोनों को एनेबल कीजिए और डेट चेंज कर लीजिए कुछ भी आप. यहाँ से मैं 23 है ना, 20 रखता हूँ स्टार्टअप, स्टार्टिंग और एंड तो आज ही रख देते हैं आज का. तो देखिए फाइल्स कितने बताएगा, मतलब 20 से और आज तक जितने इमेजेस मेरे पास व्हाट्सएप से, यहाँ से, जहाँ से भी आए हैं, वो फाइल्स को बताएगा, बस दूसरे फाइलों को नहीं बताएगा. अभी स्कैनिंग कर रहा है, अभी देखिए स्कैनिंग, स्टोरेज स्कैन, एक भी फाइल जो है ना स्कैन नहीं हुई डेट की, ये डेट की, ये जो 3-4 दिन डेट है, ये डेट की स्कैनिंग नहीं हुई, ओके. यहाँ आप पॉज कर सकते हैं, सॉरी बैटरी, ये देखिए रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप रोकना चाहें तो फिर इसको स्टार्ट कीजिए. और सेटिंग में जाकर मैं काम करता हूँ, पूरों को बोल देता हूँ ओके बोल के, ठीक है. तो चलिए रिकवर करने के लिए, ये तो क्या है, अपने को रिकवर नहीं हुए अभी फाइल्स, ये सिर्फ जो ना ये ऐप के अंदर बता रहा कि भाई ये फाइल्स तुम्हारे इतने फाइल्स से चले गए, सो अब इसको क्या रिकवर करना है, नहीं करना है, ठीक है. हाँ करना है भाई, ओके, सेलेक्ट कीजिए जो भी फाइल्स रिकवर करना है आपको, ठीक है. मैं रिकवर करने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया. अब ये जो मेरे लोगो के पीछे है रिकवरेबल के ऑप्शन है, उसको आप जस्ट क्लिक कीजिए. आप रिकवर, आपको हाउ वुड यू लाइक टू रिकवर द फाइल्स, आपको फाइल्स रिकवर कैसा करना है, मतलब आपके जीमेल को अटैच करना है, ड्रॉप बॉक्स अटैच करना है, गूगल ड्राइव अगर आपका बने हुआ है तो उसको अटैच करना है, या आपके मोबाइल में सेव करना है, या FTP सर्वर, ये तो अलग वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए आपको जो ना उस पर होस्ट करना है, क्या करना है. दोस्तों ईमेल तो आपको पता ही होगा, ड्रॉप बॉक्स क्या है, कैसा बनाना है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा ड्रॉप बॉक्स के बारे में भी, कि बहुत बेहतरीन है ड्रॉप बॉक्स का भी, गूगल ड्राइव भी बहुत बेहतरीन है, ये चीज़ें आपको जो है ना डेटा स्टोर करने के लिए, बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो बताऊँगा मैं, ठीक है. तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरे फ़ोन में सेव कर लेता हूँ, ओके ओके. अभी बात पूछता है भाई कहाँ सेव करना है डेटा को, जो है ना कहाँ सेव करना है, SD कार्ड मैं एक डेमो के लिए रख लेता हूँ, बस एक डेमो सेलेक्ट हो गया, देखिए थैंक्स, डिस्क डिगर हैज़ फिनिश्ड रिकवरिंग 4 फाइल्स सक्सेसफुली, व्यू
देखिए आप, अगर फाइल से देखना है यहाँ से तो ठीक है। चलो मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। आर यू श्योर यू वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू एक्सिट, अब एक्सिट करना है। तो ये मतलब ये रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया ना वो रिजल्ट चले जाएगा, मतलब दूसरा कुछ भी नहीं होगा लास्ट। वही तो वैसे सेफ तो है भाई फाइल्स पूरी, खाली बताएगा बस। ओके बैक आ जाइए, मैं फाइल्स रख लिया था। ओके ओके एसडी डेमो एसडी देखिए, एक फाइल है ये, एक फाइल है जेपीटी की, ये फाइल है, ये एक जेपीटी है। ओके तो ये है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। ओके तो चलिए, थैंक्स।